तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि H5P जिसको लूमी का एडिटर H5P भी है, इसके अंदर में एक कंटेंट बनाने का प्रयास करेंगे और एक ऐसी एक्टिविटी बनाएंगे जो कि हमारे स्टूडेंट्स बच्चों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो 360 व्यू कैसा होता, कोई इमेज को अगर हमें 360 व्यू बनाएंगे तो हमें उसकी पूरी जानकारी मिलती है उस पर्टिकुलर लोकेशन की। इसके साथ साथ उस एक्टिविटी में हम क्विज डाल सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, ताकि हम उस एरिया का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अपने छात्रों को दे सकें। अब ये बनेगा कैसे, इसको आज हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एक्टिविटी इसमें दिखाता हूँ जो हमने पहले से बना रखी है। तो उस एक्टिविटी को यहाँ पे ये हमने ओपन कर लिया है, ये आप देख रहे हैं ये लूमी एडिटर है जिसमें हम H5P की फाइल को भी एडिट कर सकते हैं और बना भी सकते हैं और बाद में उसको H5P में अपलोड भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा है। तो इसको हम बोलेंगे 360 व्यू। तो मैंने कोई एक इमेज ले ली है ताजमहल की, इसको मैं 360 व्यू ऊपर नीचे आप देख रहे हैं इसको मैं देख सकता हूँ और इसकी चारों तरफ किस प्रकार का व्यू मुझे दिखाई देगा वो मैं देख सकता हूँ। मुझे उस पर्टिकुलर एरिया में जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि यहीं से मैं उसको चारों तरफ देख सकता हूँ। तो इस प्रकार की एक्टिविटी इस टूल्स का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। इसमें तीन एक्टिविटी हमने एक साथ डाली है जो अभी आप देख रहे थे, इससे हम मूव कर सकते हैं, ये हैंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद इस मॉन्यूमेंट के बारे में हम कोई क्विज भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने इसमें एक एड ऑन कर रखा है क्विज, तो इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक क्विज आ गया यहाँ पे कि विच मुगल एम्पायर बिल्ड द ताजमहल, किसने बनाया था ताजमहल। तो जैसे शाहजहां हम टिक कर लेते हैं तो हमारा सही हो गया। तो एक पर्सन मैंने लगाया, एक और लगा सकते हैं आप, जितनी मर्जी चाहे इसमें पर्सन लगा सकते हैं। ये कहाँ पे है, आगरा में है। तो देखो हमारे दोनों पर्सन सही हो गए और दो में से दो अंक हमें प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार की एक्टिविटी भी हम इसमें कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें हमने ताजमहल से संबंधित कुछ वीडियो भी लगाया शॉर्ट, ताकि उसके बारे में बच्चों को और अच्छी जानकारी मिल सके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वीडियो प्ले हो रहा है, ये देखिए इसमें हमें ताजमहल का इंटायर व्यू दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं इस वीडियो को। तो ऐसे छोटा 15 MB का कोई वीडियो भी हम इसमें लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आपने फ्रंट साइड से तो ताजमहल देखा होगा, लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसके बैक साइड क्या है, बच्चों से पूछ सकते हैं कि इसके बैक साइड क्या है, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ताजमहल के बैक साइड क्या है। तो ये भी हम बना सकते हैं इसके अंदर, ये देखिए ताजमहल के पीछे क्या है, ये बैक व्यू है, इसके पीछे यमुना रिवर है ये, इसको भी हमने 360 लिया है ताकि हमें इंटायर व्यू दिखाई दे। तो ये है ना एक शानदार एक्टिविटी, तो इसको हम आज बनाना सीखेंगे। तो आज हम ताजमहल की जगह कुछ और एक्टिविटी ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको बंद कर दिया है और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लूमी दिख रहा है, यहाँ पे लूमी को मैं यहाँ से ऑन करूँगा दोबारा, तो ये यहाँ से हमारा दोबारा ओपन हो जाएगा लूमी। तो इसमें आज हम एक
तो अब आप स्क्रीन में लूमी का यहाँ पे लोगो देख रहे हैं, ये H5P का एडिटर है, इसको हम ओपन कर लेंगे। तो इसका जो इंटरफेस है इस प्रकार ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये सेम वैसी इंटरफेस है जैसे H5P का होता है। तो इसमें बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पे, तो इन टूल्स का प्रयोग करेंगे आज हम। इन टूल्स में से किसी एक का जिसका नाम है 360, ये वर्चुअल टूल 360, इसमें हम एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी यहाँ पर बनाएंगे। तो हम इसको जैसे ओपन कर लेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है और ये टूल्स का इंटरफेस यहाँ पे खुल गया। अब हम आज एक एक्टिविटी बनाएंगे रेड फोर्ट के ऊपर, लाल किला का। हम कुछ इमेजेस हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखे हैं और उन इमेजेस को यहाँ पे कैसे उनको इंसर्ट करना है, कैसे उनका उपयोग करना है, वो हम यहाँ सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें एक सीन क्रिएट करना होगा इसमें। तो इस टूल का नाम है वर्चुअल टूल 360। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ सबसे पहले न्यू सीन हम ले लेंगे। तो जो न्यू सीन है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 360 इमेज लेंगे। स्टैटिक इमेज का मतलब होता है स्थिर कोई इमेज, तो हमें इसका प्रयोग नहीं करना है, हमें इसका करना है। सीन का टाइटल हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेड फोर्ड हमने लिया। अब हम यहाँ के लिए एक बैकग्राउंड इमेज ले लेते हैं रेड फोर्ड की, जो डेस्कटॉप पे मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है बहुत सारी इमेज इसकी रेड फोर्ड की। तो ये देख ली कई सारी हैं, तो हम एक हाई रेवोल्यूशन वाली ले लेते हैं जिनकी 414x600। तो जितनी ज़्यादा आप पिक्सल वाली इमेज लेंगे उतना आपका एक्टिविटी अच्छी बनेगी। इस सीन का नाम लिख देते हैं हम यहाँ पे रेड फोर्ड, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। रेड फोर्ट सीन्स का टाइटल भी और एक्टिविटी भी लिख लिया। अब इसमें कोई ऑटो टैग डालना उसकी हमें ज़रूरत नहीं। अब हम इसको यहाँ पे डन कर लेते हैं। तो हमने एक सीन क्रिएट किया, इसमें आप कई सीन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने देख रहे हैं हमने एक सीन क्रिएट किया ही है, तो ये अपने आप ही उसको एक हमारी जो इमेज थी उसको 360 इसमें कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इसमें कुछ और एक्टिविटी जोड़ते हैं। जैसे मैं इसमें एक एक्टिविटी जोड़ना चाहता हूँ, ये वाला गो टू सीन। अब ये तो आप फ्रंट का सीन देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इसका बैक साइड का भी सीन आए। तो वो कैसे आएगा, वो हम यहाँ पे बनाते हैं ये। तो इसमें हम इसको जाएंगे गो टू सीन। अब हम गो टू सीन में एक नया सीन ले लेते हैं। तो नया क्या लेंगे हम, 360 की इमेज ले लेते हैं, उसका नाम लिख देते हैं बैकवर्ड बैक साइड ऑफ रेड फोर्ट, ये लिख लेते हैं और एक सीन लगा देते हैं बैक साइड का। वो भी मैंने डाउनलोड कर रखा है पहले से ही, तो ये बैक साइड है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये बैक साइड का सीन हो गया। अब इसको डिस्क्रिप्शन अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, तो बैक साइड रेड फोर्ट ये हमने लिख दिया और इसको हम डन कर लेते हैं। तो ये चीन बन गया हमारे पास एक। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारी फोटो चेंज होगी। कैसे होगी, व्यू में जाएंगे। अब ये सेव नहीं हुआ, अब इच्छा यहाँ पे हमें लिखना है इसका बैक साइड ऑफ रेड फोर्ट, ये हमने लिख दिया। तो जैसे इसको अब हम सेव करेंगे, पहले ये व्यू मोड पे जाके देखेंगे इसको। तो ये व्यू मोड पे आ गया और ये चीन यहाँ पर आया हमारा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा बैक साइड की इमेज आ गई है। देखिए हमने से भी 360 ले लिया था,
आप चाहे तो इसको 360 लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम दोबारा इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यहाँ से व्यू और यहाँ से एडिट। आप इसको एडिट करना हो यहाँ पे क्लिक करिए, एडिट में जाइए, ये था वो चीन। इसको आप यहाँ से दोबारा इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये दोबारा बन सकता है, इसको चेंज कर सकते हैं हम बाद में। तो अभी फिलहाल हम और एक्टिविटी बना लेते हैं। तो एक हमने बना दी है, अब हम इसमें एक वीडियो डालना चाहते हैं छोटा सा, तो क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वीडियो आ गया हमारा। तो यहाँ पे जो सोर्स है तो मैंने पहले से सेव कर रखा है। तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप डायरेक्ट यूट्यूब से ले सकते हैं, या आपके सिस्टम में कंप्यूटर में पहले से सेव है कोई फाइल वीडियो, उसको आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं यहीं से ले लेता हूँ, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो डेस्कटॉप पे देखता हूँ मेरे पास कोई वीडियो पड़ा है कि नहीं। यहाँ पे नहीं है तो डाउनलोड में मैंने कहीं डाला होगा, तो ये रहा। तो कोई भी एक वीडियो ले लेते हैं, नीचे वाला जैसे मैंने लिख लिया और ओपन कर लिया। तो आप देखेंगे कि अपलोड हो रहा है वीडियो, और ये ध्यान रखिए 16 MB से बड़ा वीडियो ना हो। YouTube में आप जितना भी बड़ा वीडियो उसको लिंक यहाँ पे शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वीडियो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं प्रोसेस चल रही है, वीडियो यहाँ पर अपलोड हो रहा है। तो वीडियो अपलोड हो गया, ये MP4 है, MP4 को ही सपोर्ट करता है। विजुअल में जाके हम कोई इमेज या कुछ लगाना हो वो कर सकते हैं। प्लेबैक की जो सेटिंग है उसमें ऑटो प्ले कर देते हैं, ये अपने आप चलेगा। लूप आप लगा सकते हैं कि ख़त्म होने के बाद दोबारा रिपीट हो, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, एक बार हुआ था। तो ये हमने सेटिंग कर ली है, ठीक है। तो इसका नाम भी हम लिख सकते हैं, वीडियो और रेड फोर्ड, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे एंड टाइटल है, यहाँ लिख सकते हैं 360 वीडियो और रेड फोर्ड, ये लिख लिया और डन कर लेंगे। इसे डन कर लेंगे, आप देखेंगे ये चिन्ह बनकर आ गया, प्लस का चिन्ह। और यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं व्यू में जाकर। व्यू में जाएंगे आप, ये ओपन होगा और आप देखेंगे ये आ गया चिन्ह यहाँ पर। जैसे उसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका फायदा ये होता है कि हमें किसी मॉन्यूमेंट के बारे में एक्सप्लोर करना हो तो उस जगह के बारे में हम बहुत अच्छे ढंग से जानकारी दे सकते हैं, वीडियो के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से, इमेज के माध्यम से। तो इस प्रकार आप वीडियो भी इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद फिर हम एडिटिंग टूल एडिट में जाएंगे और हम एक और एक्टिविटी लगा देंगे इसमें। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने इसमें दो एक्टिविटी लगाई है, एक तो ये लगाई थी और एक दूसरी भी थी इस पे, उसको भी देखते हैं कहाँ गया। ये थी एक्टिविटी, तो इस पे अब हम एक और एक्टिविटी लगा देते हैं, क्वेश्चन सेट की। तो क्वेश्चन सेट यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल, आ गया क्वेश्चन सेट। तो क्वेश्चन हम कुछ भी इस पे लगा सकते हैं, जैसे हु बिल्ड द रेड फोर्ट, किसने बनाया, हु रेड फोर्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब आपने क्वेश्चन लिख दिया, अब इसमें हम कुछ आंसर इसको हम बोल्ड कर देते हैं, यहाँ से हमने बोल्ड कर दिया। ये एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर, क्वेश्चन का लिख यहाँ पे अल्टरनेट दे रखे हैं दो, आप उनके आंसर बढ़ा सकते हैं चॉइस। तो पहला वाला सही होना चाहिए, इसमें करेक्ट लिखा है, तो पहला हम इसमें सही आंसर लिखेंगे। तो इसको बनाया था आपका शाहजहां ने, शाहजहां। उसके बाद कुछ गलत उत्तर हम यहाँ देंगे, अकबर, और दो ऑप्शन दिए हमने, और ऑप्शन देना तो यहाँ ऐड में जाके और दे सकते हैं,
औरंगजेब औरंगजेब डाल दिया हमने। एक और हम ऑल्टरनेट पॉट डालना चाहें हुमायूं, ये तो हमने चार ऑप्शन डाले जिसमें हमारा पहला सही होना चाहिए, पहला सही हमारा। इतने करने के बाद आप एक और क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन फिलहाल हम एक ही बना रहे हैं, यहाँ से डन कर लेते हैं। अब जब हम इसको डन कर लेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है दूसरे क्वेश्चन की, तो हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। तो हमने एक ही रखा है, अब हम इसको यहाँ से डन कर लेंगे तो सेव हो जाएगा। ये देखिए दूसरी एक्टिविटी यहाँ हमारी आ गई, इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हो एक्टिविटी को। तो हमने इसके नीचे यहाँ पे डाल दिए, इसमें हमने क्वेश्चन नहीं लिखा, यहाँ पे लेवल नहीं लिखा, यहाँ पे क्विज लिख देते हैं और यहाँ पे भी लिख देते हैं मल्टीपल सिंगल चॉइस सेट। यहाँ या ये लिख देते हैं फाइंड द करेक्ट आंसर, ये लिख देते हैं शॉर्ट, सेव कर दिए। देखो यहाँ पे क्विज आ गया अपना लिखा हुआ, तो ये दो यहाँ पे हमने जोड़ दिए हैं और एक हमने पहले कर रखा था वो इसके नीचे आ गया था। ये तीन एक्टिविटी हमने इसमें बना दी है, यहाँ पे वीडियो का, क्विज का और ये। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं, तो प्ले कैसे होगा, प्ले का मतलब व्यू करते हैं, इसमें व्यू करेंगे तो अब आपके स्क्रीन पे ये एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। ये भी देखिए ये इमेज थी और इसको हम यू मूव कर सकते हैं 360, ये जो मैंने आपको बताया था, देखो ये 360 होगा पूरा, ये आ गया हमारे वही चीज। यहाँ से हमने जो ये चिन्ह लगाया था इसका मतलब था बैक साइड ऑफ रेड फोर्ट, ये बैक साइड था रेड फोर्ट का। और उसके बाद हम दोबारा इसको देखते हैं, उसके बाद हमने इसमें वीडियो डाला था एक, तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चलता हुआ दिखाई देगा, एक वीडियो हमने इसमें डाला। उसके हमने क्विज डाला था ये, तो जैसे हु बिल्ट द रेड फोर्ट, किसने बनाया इसको, शाहजहां ने बनाया, तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। इसमें हम दो तीन क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, फिलहाल हमने एक ही डाला है सीखने के लिए। तो देखा कितनी शानदार इसमें इंटरैक्टिव एक्टिविटी बनाई जा सकती है। फिर आप इस फाइल को सेव कैसे करोगे, तो इसके लिए आपके पास ये ऑप्शन दे रखा फाइल, यहाँ पे जाके आप फाइल को सेव चुनिए। तो इस फाइल को आप डेस्कटॉप में कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। तो जैसे बैक साइड ऑफ द रेड फोर्ट मैं लिख देता हूँ 360 ऑफ रेड फोर्ट व्यू, ये मैंने लिख दिया। और ये फाइल जो सेव होगी H5P पैकेज के नाम से सेव होगी, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये फाइल हमारी सेव हो रही है, ये देखिए प्रोसेस में है, तो फाइल यहाँ पे सेव हो रही है। और इस फाइल को आप कैसे दूसरों को सेंड कर सकते हो, या कोई किसी और सोशल मीडिया में आप इसको भेजना चाहो तो वहाँ ये किस प्रकार जाएगी और कैसे दूसरे जो यूज़र्स हैं वो इसको वहाँ पर ओपन करेंगे, वो भी अभी आप पे मैं आपको बता देता हूँ। पहले फाइल सेव हो रही है, आप यहाँ देखिए ये फाइल सेव हो गई है, ग्रीन यहाँ पे सिग्नल आ गया है। अब इसको शेयर कैसे करना है, तो फाइल में जाकर आप यहाँ पर एक्सपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पे आ रखा ऑल इन वन HTML फाइल, हम इसको शेयर करना है। तो ये पहले से डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, एक्सपोर्ट नाउ, जैसे एक्सपोर्ट नाउ में जाओगे तो फाइल HTML के नाम से सेव होगी। तो इसे डेस्कटॉप में हम
लूमी जो एक कंटेंट है इसमें जाके हम यहाँ पे सेव कर देते हैं इसको, तो ये एक्सपोर्ट फाइल वहाँ पे जाकर सेव हो जाएगी। अब यहाँ मैसेज आ जाएगा, तो आपने देखा कि लूमी जो H5P का एडिटर है, इसमें आप आसानी से कई प्रकार के इंटरैक्टिव ई कंटेंट बना सकते हैं, साथ साथ टीचर्स भी और स्टूडेंट्स दोनों इसका प्रयोग कर सकते हैं, और ये टोटली फ्री है और इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जिनका प्रयोग आप ई कंटेंट बनाने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ प्रोसेस चल रही है, तो अब हम इसमें देखेंगे सेव जो फाइल हो जाएगी कि उसका हम ओपन कैसे करें उसको। तो यहाँ पे टाइम लग रहा है थोड़ा, क्योंकि फाइल में इमेजेस हैं और वीडियो काफ़ी बड़ी डली हुई है, इसके कारण ये समय ले रहा है उसको सेव करने में। अब आपने देखा कि फाइल हमारी यहाँ पर सेव हो गई है। अब हम जैसे इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट फाइल। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये आपके ब्राउज़र पे यहाँ पर ये खुल गई, आप इसको शेयर कर सकते हैं कहीं भी। तो इस फाइल को यहाँ पे वैसे ही रन कर रही है सेम जैसे आपने पहले देखा था। यहाँ पे हम क्विज क्लिक करेंगे तो क्विज भी आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो से आपने सीखा कि लूमी जो H5 का एडिटर है उसका इस्तेमाल करके हम कैसे आसान तरीके से 360 जो व्यू होता है, 360 जो प्रेजेंटेशन होता है किसी भी लोकेशन का, एरिया का, उसको आसानी से हम बना सकते हैं और उसको वीडियो को भी हम इंटरैक्टिव मोड पर यहाँ पर बना सकते हैं, जिससे विद्यार्थी इसको आसानी से कर पाएंगे।